हेलो एक्सरसाइज 3.1 टाइम सीरीज इसमें ओनली वन क्वेश्चन है और उसका हमें क्या करना है देखिए क्वेश्चन नंबर वन इसमें दिया हुआ है ईयर और नेक्स्ट है सेल्स यूनिट्स छियासी से आपका है 94 छियासी 87 89 90 91 87 88 89 22, 28, 24, 30, 18, 26, 20, 32 और लास्ट का ये 16 ये क्वेश्चन में हमारे पास डाटा है ठीक है और इस डाटा के बेस पर ऊपर एक लाइन लिखी हुई है फाइंड द ट्रेंड लाइन। मैंने बताया था ट्रेंड वैल्यू ट्रेंड लाइन हमें फाइंड करनी है ये जो डाटा है इससे बाय द फ्री हैंड कर मेथड। तो यहां पर हम लिखेंगे एक लाइन फिटिंग ऑफ ट्रेंड लाइन बाय फ्री हैंड कर्व मेथड। फ्री हैंड कर्व मेथड से हमने एक ये फिटिंग करनी है। इसकी फिटिंग करने के लिए सबसे पहले आप ये देखिए आपके पास डाटा कौन कौन से हैं। डाटा आपके पास है 22 से लास्ट हाईएस्ट है 32 मिनिमम है 16 तो आप यहाँ 4-4 का डिफरेंस ले सकते हो ओके। और यहां पर ईयर तो आपके दे रखे हैं तो ये आपका एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है और इस पर आप लिखोगे अपने ईयर्स ईयर आपका यहां से स्टार्ट होगा हमेशा यही आपका ओरिजिन पॉइंट होगा जीरो और यही हमारे पास क्या होगा जीरो को ऐसे लिख लेना ऊपर और जो ईयर स्टार्ट है आपका 1986 से इसको यहां पर और फिर आपका है 94 तक ये डिस्टेंस जो है ये आपका इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर आप मिनिमम ले लीजिए आपका कितना है मिनिमम इसमें 16 मिनिमम कितना है 16 तो ये आपका 16 से स्टार्ट है 4 का डिफरेंस ले लो आप 20, 24, 28, 32 थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं इसको चलो इसमें गैप थोड़ा सा ज्यादा दे देता हूँ ये आपके हो गए डाटा ओके। तो इसमें आपके पास है जैसे 22 तो इन दोनों के बीच में होगा मिडल में 22 ये आप लिख लिए
28 लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है, 30, इन दोनों के बीच में क्या होगा आपका 30, 18 होगा 16 से और 20 के बीच में 18, और यहाँ पर है 26 है इन दोनों के बीच में, और 20 आपका ये रहा, 32 ये रहा पॉइंट, 16 ये रहा, ओके। और यहां पर आप क्या कर दीजिए, एक ये डबल लाइन कर दीजिए, इसे बोलते हैं क्रॉस लाइन या फॉल्स लाइन। इस लाइन का मीनिंग होता है फॉल्स लाइन का कि यहां से यहां तक का डिफरेंस तो 16 है और बाकी जो सारे डिफरेंस है 4-4 के हैं, तो ये सारे इक्वल नहीं हुआ, यहां से यहां तक तो बराबर है भाई, 4-4 का डिफरेंस है, बट यहां ज्यादा है। तो फॉल्स लाइन क्या है, ये ट्रम और ऊपर तक जानी थी, इसको छोटा कर दिया, ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स लाइन है। अब बता दीजिए डाटा को रिप्रेजेंट कर दो, 1986 में है 22, तो ये 1986, 22 आपका है ये ना, ये पॉइंट आ गया फर्स्ट। फिर है इसमें 1987 में 28, तो इस पॉइंट को सीधा ले जाओ, बिल्कुल 28 को ऐसे सीधा लेके जाओ, इसको भी सीधा लेके जाओ, ये हो गया आपका। फिर है 88 में 24, को सीधा लेके आओ, क्या हो गया, 1989 में 30, 89 ये रहा, इसमें 30, इसको भी ऐसे स्केल से बिल्कुल सीधे लेके जाना आप, यहाँ पर 30 जहां पर उसको भी ऐसे सीधे लेके जाना, तो दोनों को मैच कर देना, ओके। फिर है 1990 में 18 ये आ गया 18। फिर है 26, 1991 में 26 इसको सीधा ले गया मैं, यहां तक आ रहा है ये, इसको सीधा यहां तक, ये आ गया पॉइंट। फिर आपका 1992 में 20, ये रहा। फिर आपका है 1993 में 32, 32 आपका ये सीधा ले जाओ, तो आपका यहाँ पर आ रहा है अप्रोक्स, ये हो गया। फिर है 1694 में 16, ये सबसे नीचे रहा, अब इस पॉइंट को यहाँ पर ले जाओ, ये है 16, ओके। तो सबसे पहला पॉइंट ये है फर्स्ट, ये सेकंड पॉइंट है। अच्छा, फ्री हैंड कर्व मेथड का मतलब है स्केल से ज्वाइन नहीं करना, फ्री हैंड मतलब हैंड से ही ज्वाइन करना है आपकी, इसको इससे, फिर ये है, फिर ये पॉइंट है, फिर आपका ये पॉइंट आया था, फिर ये पॉइंट आया था, फिर आपका ये पॉइंट आया है, फिर आपका ये पॉइंट, ओके। तो अभी ये हमारे पास है फ्री हैंड कर्व, क्या है ये, फ्री हैंड कर्व। आपको बनाना क्या है, ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन कैसे बनाओगे, इसके बीच में से ट्रेंड लाइन जाती है, कैसे, मान लीजिए आपने यहां इतना गैप ले लिया, जितना गैप यहां एक टिक लगाना है, जितना गैप यहां लिया है ऊपर की तरफ उतना ही गैप यहां लेना है, आपको यहां ले लिया और इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो, ये स्केल से करना है आपको ऐसे, ये आपकी जो आएगी ये क्या कहलाएगी, ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन हमारे पास, इसका गैप दोनों इक्वल होना चाहिए, इन दोनों को स्केल से ज्वाइन कर देना, डन, गॉट इट, ओके।